हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ एकदीप फ्रॉम मटर क्लासेस। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंजंक्शन के सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में। ये दूसरा टाइप है। पहले भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके इनिशियल्स को जोड़कर हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको बताया था कि 7 होते हैं, जो कि फैन बॉयज होता है, राइट। एफ स्टैंड्स फॉर 4 एंड सो ऑन। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, आपने वीडियो लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो आज हम लोग जानेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने होते हैं उसके बारे में। तो कितने होते हैं, सो गाइज, इसको ना सिंपली 9 कैटेगरीज में रखा गया है। 9 कैटेगरीज में रखा गया, 9 टाइप्स तो नहीं बोलेंगे, कैटेगरीज बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग। इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको 9 कैटेगरीज में रखा गया। तो पहला होता है कंपैरिजन, देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें आता है देन होता है, रेदर देन जिसका मतलब बजाय, वेदर यदि या एज मच एज जितना, और वेयर इज जहाँ तक। आपका दूसरा होता है टाइम, जिसके अंदर होता है आफ्टर, एज सून एज जितना जल्दी हो सके, अनटिल तक या तब तक, जब तक, आगे बताऊंगा, फिर व्हेनेवर जब कभी, नाउ दैट चूंकि अब। तीसरा होता है कंसेशन, जिसमें होता है दो हालांकि, ऑल दो हालांकि, इवन दो भले ही। उसके बाद होता है आपका चौथा, जो कि आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, वो चौथा होता है आपका, जिसमें होता है हु, हुएवर, हुम, हुमएवर, हुज। तो हुएवर आपका हो गया कोई भी हो, हुम किसको, हुम एवर जिसे, हुज किसका। सो गाइज, ये जो है ना आपके WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जिसको हम लोग कंजंक्शन के रूप में रखते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हो, प्लेलिस्ट 1 में लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, और आगे भी आपको पता लगेगा। उसके बाद आपका हो जाता है पाँचवा कौन सा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, रीज़न कारण। तो बिकॉज क्या हो गया, क्योंकि, सिंस लगता है, और इसके बारे में आगे जानेंगे, टेंस में भी समझेंगे सिंस का मीनिंग कैसे कैसे यूज़ करते हैं, सो दैट, ताकि। उसके बाद इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर देखिए ब्रैकेट में मैंने 2 लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इसका मतलब होता है के लिए, और एज जैसा। और उसके बाद हो जाता है छठा कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंसेज। आप कंपिटिटिव जितने एग्जामिनेशन होता है, जैसे बैंक का हो गया, SSC का हो गया, ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें होता है कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, उसको पहचानने का होता है, बनाने का होता है। उसमें आता है कंडीशन में इफ, ओनली इफ, केवल, अनलेस, जब तक, प्रोवाइडेड और अज्यूमिंग। फिर आपका आ जाता है 7th में प्लेस, तो आप देख ही सकते हो वहाँ है वेयर और वेयर एवर। उसके बाद आपका आ जाता है 8वां टाइप जो होता है कैटेगरी, रिलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, रिलेटिव एडजेक्टिव, जिसमें होता है दैट, वॉट एवर, जिसको जो कुछ होते हैं, विच और विच एवर, जो कभी। और आपका जो सबसे एंड में आता है वो हो जाता है आपका मैनर, जिसमें आ जाता है हाउ, एज दो, एज इफ, एज दो को मानो होता है और एज इफ को जैसे कि। सो गाइज, ये हैं आपके टोटल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का क्या कैटेगरी, किसके अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लो इसको, आगे नेक्स्ट वीडियोस जो फ्यूचर में वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, सेंटेंस के साथ बताऊंगा। अभी तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया, एक छोटा सा डिटेल दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।